अच्छा, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेज़न बिजनेस प्राइम आपने किस तरह से क्रिएट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपके पास जो ईमेल है वो आपका अलग होना चाहिए। सेलर सेंट्रल का ईमेल अलग हो, बिजनेस प्राइम जो आप बनाने जा रहे हो उसका ईमेल अलग हो। ठीक है, और आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, EIN नंबर आपके पास लाजमी हो। ठीक है, जिसे हम एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहते हैं, और मेरे ख्याल में ये किसी और जो है वर्ड के लिए भी स्टैंड होता है। आप यहाँ पे गूगल कर लो इसको, EIN स्टैंड फॉर, लेकिन मुझे जो पता है एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको अमेजोन वेरीफाई करता है। उसके ऊपर सारी डिटेल आपकी लिखी होती है कि बंदा कहाँ गया, एड्रेस इसका, सारा वो सारा आपका उसके ऊपर आ जाता है। कंपनी कौन सी है, LLC जब आपने करवाई होती है, सारा A to Z सारा डाटा आपका वहाँ पे शो होता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गूगल पे आना है। यहाँ पे गूगल पे आने के बाद आपने लिखना है रजिस्टर्ड टू बिजनेस प्राइम अकाउंट। जब आप यहाँ पे आओगे, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। ये देखो यहाँ पे आपने क्या करना है, अगर आपके पास कोई पहले से ईमेल मौजूद है तो आपने यहाँ पे ऑप्शन आया था कन्वर्ट योर अकाउंट। ठीक है, तो आप यहाँ पे उसको, मतलब कि पहले से जो है काफी सारे लोग उन्होंने बायर अकाउंट बनाया होता है जो कि नॉर्मल अकाउंट होता है इस तरह का। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे बिजनेस प्राइम नजर नहीं आ रही, एक नॉर्मल अकाउंट है। इसको, इसी ईमेल को अगर मैं बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। अगर मैंने न्यू क्रिएट करना है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन मांगेगा मेरे से। ठीक है, ये अकाउंट क्रिएशन के लिए मेरा नाम मांगेगा, ईमेल मांगेगा, पासवर्ड वगैरह मांगने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बिजनेस की डिटेल्स मांगेगा आपसे, आपका एड्रेस मांगेगा, सारा कुछ मांगेगा। एक मिनट में स्लाइड्स ओपन कर लूँ, आपको दिखा दूँ यहाँ पे। अच्छा, ये था स्टेप नंबर वन, जो कि मैंने सारा कुछ प्रोवाइड कर दिया। इसको प्रोवाइड करने के बाद OTP सेंड करेगा जो आपने ईमेल दिया होगा उसके ऊपर। वो प्रोवाइड करने के बाद जो सेकेंड टैब है ये वाला, ये बिजनेस डिटेल वाला, ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने नाम लिख देना अपना। ठीक है, नाम लिखने के बाद आपने बिजनेस फोन लिखना है, जो आपका बिजनेस फोन नंबर है वो लिखना है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने नीचे चेक लगा देना है। चेक लगाने के बाद बिजनेस नेम जो है वो आपने लिख देना, कोई भी आप नाम रख दो। द कूल गाइज शॉप मैंने रखा हुआ है तो मैं वही लिख दूंगा इसके ऊपर, या कोई आपके माइंड में है जो आप रखना चाहते हो वो आप रख दो। ठीक है, उसके बाद नीचे कह रहा है कि सोल प्रोपराइटर है, अगर सोल प्रोपराइटर है तो इसके ऊपर आप चेक लगाओ, अदरवाइज अदर के ऊपर कर दो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये नेक्स्ट आपसे पूछेगा आपका जो एड्रेस है, स्ट्रीट एड्रेस हम कहते हैं, ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट देना है जो आपका EIN के ऊपर है। ठीक है, वो आपने प्रोवाइड करना है, अदरवाइज ये वर्चुअल एड्रेस जो है ये आपको वहां से भी मिल जाते हैं, गूगल करो आप यहाँ पे, यहाँ पर आपको वर्चुअल एड्रेस मिल जाते हैं। USA वर्चुअल एड्रेस यहाँ पे लिखूंगा मैं, तो यहाँ से $20 का या $25 का आपको मिल जाता है, और काफी सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे फ्री भी मिल जाता है। एक एड्रेस से देखो, रियल स्ट्रीट एड्रेस, ठीक है, यहाँ से भी आप लेके दे सकते हो। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ये ऑप्शनल है नीचे वाला, ये फ्लोर यूनिट वगैरह, जिप कोड आप डाल दो जोन जिसमें आप, जिस स्टेट में आपका एड्रेस है, उसके बाद नीचे सिटी वगैरह। जब आप ये सारा कुछ दोगे तो वो खुद ही फैच कर लेगा। ठीक है, अब मैंने जैसे ही कि यहाँ पे ये एड्रेस दिया है, ठीक है, स्लिप न्यूयॉर्क, और आगे मैंने उसका कोड दिया है, तो नीचे जो है स्टेट वो खुद ही वेरीफाई कर लेता है। जब आप जिप कोड देते हो तो स्टेट और जो सिटी है वो खुद ही फैच कर लेता है वो। ठीक है, अमेजोन, तो क्रिएट बिजनेस के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट जो वेरिफिकेशन पे चला जाएगा 24 घंटे के लिए। ठीक है, जब आप वेरीफाई होके आएगा, अगर आपने EIN नंबर नहीं दिया होगा तो वो आपसे EIN नंबर मांगेगा। ये देखो यहाँ पे वो मुझे कह रहा है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, वो कह रहा है वी वर अनेबल टू वेरीफाई योर बिजनेस अकाउंट
सी द बिलो अपलोड मोर इन्फॉर्मेशन टू हेल्प अस वेरीफाई योर बिजनेस, वी विल रिप्लाई विद इन 24 आवर्स। ठीक है, वो कह रहा है अपना जो बिजनेस की डिटेल है वो हमें यहाँ पे दो। पहले नंबर पे क्या चीज मांग रहा है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन द योर EIN और सोल प्रोप्राइटर और इंडिविजुअल स्टेटस आपका शो करते हैं। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, LLC करवाने के बाद आपको मिल जाता है, या जिस बंदे के साथ आप मिलके काम कर रहे हो USA में, ठीक है, उससे आप ले सकती हो। मैंने आपको एक बंदे का नंबर शेयर किया था जो कि LLC बना के देता है, आप उससे कॉन्टेक्ट करो, वो आपको इसके बारे में मजीद डिटेल्स दे देगा। ठीक है, ये आपके पास होना लाजमी है। ठीक है जी, जब तक नहीं होगा तब तक आपको बिजनेस प्राइम आप क्रिएट नहीं कर सकते। उसके बाद नीचे वो कह रहा है ऑफिशियल लेटर हेड डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल जो लेटर है आपका एम्प्लॉयमेंट का वो, ठीक है, अगर आपने टैक्स जो है टैक्स GST टैक्स के लिए जो ID है वो भी अगर आप अपलोड कर देते हो तो काम और अच्छा हो जाता है, आपका जो टैक्स है वो आपको नहीं पड़ता। ठीक है, जब आप क्रिएट करते हो ना तो वहाँ पे ऑप्शन आता है ये वेरिफिकेशन मांगने से पहले। ठीक है, यहाँ पे आपके पास OTP आएगा, आपके एड्रेस के ऊपर आता है या तो आपके ईमेल के ऊपर आता है। ठीक है, वेरीफाई द इनविटेशन कोड गिवन टू यू Amazon बिजनेस टू इंस्टेंटली वेरीफाई योर अकाउंट। ठीक है, ये काफ़ी दफ़ा ना जब आप सेलर अकाउंट क्रिएट करते हो या Amazon को कुछ थोड़ा बहुत शक होता है कि ये बंदा 2 नंबर ही कर रहा है, तो वो आपको पकड़ने के लिए ना आपके एड्रेस के ऊपर आपको कभी कभी OTP कोड भी भेज देता है, लेकिन मोस्टली जो बिजनेस प्राइम क्रिएट होते हैं उनके ईमेल के ऊपर ही आता है। ठीक है, जो सारा कुछ आप सबमिट कर दोगे, सबमिट करने के बाद आपका जो अकाउंट बन जाएगा बिजनेस प्राइम वो आपको इस तरह से शो होगा। ठीक है, ये इस तरह से शो होगा, आपने जितने ऑर्डर्स वगैरह लगाए होंगे या जो भी आपकी सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हो, योर अकाउंट डिटेल्स वगैरह आप यहाँ पे निकाल सकते हो ये। ठीक है, ये जब भी आप लॉग इन करोगे ना आपका अकाउंट बिजनेस प्राइम ही खुलेगा, वो नॉर्मल अकाउंट नहीं खुलेगा। ठीक है, ये है बिजनेस प्राइम अकाउंट क्रिएट करने का तरीका, जो कि छोटा सा ट्यूटोरियल मैंने देना था। ठीक है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी हमारा आज का लेक्चर इतना ही था, ये रिकॉर्डिंग